नमस्कार, फास्ट समाचार न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिरवी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उमरिया जिले में माफियाओं द्वारा रेत के अवैध व्यापार रोकने को लेकर प्रदेश में आदिम जाति कल्याण एवं जिले के प्रभारी मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने विवादित बयान दिया है। मंत्री ओमकार सिंह मरकाम की माने तो जिले में अवैध उत्खनन करने वाले सब अपने हैं, ऐसे में कार्रवाई कौन करे। दरअसल बीते दिनों खनिज विभाग ने एक गरीब किसान का ट्रैक्टर अवैध उत्खनन के आरोप में जब्त किया था, जहाँ किसान ने आरोप लगाया कि वह बाजार से खेती किसानी के लिए खाद बीज लेकर आ रहा था। खनिज विभाग द्वारा जब्त किए गए ट्रैक्टर में रेत मौजूद नहीं थी, बल्कि उसमें खेती का सामान था। कहते हैं कि माइनिंग वाले पकड़े हैं और ट्रैक्टर बरही गरव है, बीज उज ले और कुछ टाली का काम रहो था, टाली का काम करवावे खातिर 8-9 बजे तक वहाँ काम करवाएं, लाइट नहीं रही तो कुछ ज़्यादा समय लग गया। और फिर वहाँ से 8-9 बजे के लाग में ही चले हमें अंदाजन, तो कुछ दूर तक रोड आए हैं। शाम हूँ कुछ तेल के बचत के कारण शाम हूँ गली निकल आए हैं, तो नदी क्रॉस करके गांव निचकाते हुए हैं, तभी यहाँ से मार्शल गई ही तो उन्हीं रुका लाइन। कहे तुम कहाँ गए थे, रेत भरने गए थे। बोले कि नहीं साहब, रेत भरने हम नहीं गए थे, हम बरही गए थे और वहाँ पर ट्रैक्टर बनवा में गए रहना, आप भी देख लीजिए हमारा ट्रैक्टर इसे तातवे रखा है। अच्छा, कुछ नहीं है, खनिक्षक के प्रतिवेदन और जो डिटेल रिपोर्ट है उससे स्पष्ट है कि उसका वाहन जो है अवैध उत्खनन में और परिवहन में लिप्त था और उसके द्वारा अवैध उत्खनन करके जो है आरबी लॉजिस्टिक बेल्दी के स्टॉक पर जो है रेत डाली गई है। उसके पर्याप्त साक्ष्य सबूत हैं, उसके आधार पर जो है प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आप सही कह रहे हैं, यहाँ सबसे मूलभूत समस्या ये है कि उत्खनन करने वाले कौन हैं और उसको रोकने वाले कौन हैं और इस विषय में शिकायत करने वाले कौन हैं और इस विषय में सही लड़ाई लड़ने वाले कौन हैं। इन सब में मिलेंगे आपको अपने हमारे। एक बात आपको पता है, हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहा दमोह। उमरिया से प्रदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट।